तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आज इस 17 दिन में भी आपको यह होगा। मैं आशा करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी, हमारे प्रभु जी इस ग्रेस सुमित उपाध्याय प्रभु जी 17 दिन का आपको स्पष्टीकरण करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण बोल। जी, आपको आवाज सुनाई दे रहा सुनाई दे रहा प्रभु जी। है? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के 17 दिन में। तो जस्ट मिनट, मेरा इको आ रहा है, एक मिनट जी। तो अभी पिछले 2 सत्रों में, पहला सत्र में हमने गीता का परिचय देखा और कल के सत्र में ईश्वर के बारे में जाना। तो रिकैप करने के पहले हम मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद अपना सत्र शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुर उन्मीलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदंतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभयः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल के सत्र में हमने ईश्वर के बारे में जाना कि प्रभु शास्त्रों जी, के। जी माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न था जी जी माता जी। कि देवताओं में और कृष्णा जी या विष्णु जी में डिफरेंस क्या है? जी माता जी। तो 2 तरह का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल हमने देखा था कि एक लोकल गवर्नमेंट में किस तरह से प्रधानमंत्री होता है और यूनिवर्सल फॉर्म गवर्नमेंट में किस तरह से भगवान होते हैं और उनके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर। तो देवता भी उसी तरह से भगवान के जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है उसमें अलग अलग अपना अलग अलग रूप से अपना भाग निभाते हैं। दूसरा एक और डिफरेंस यह है कि जो देवता हैं वो भी हमारी तरह लिविंग एंटिटी हैं, यानी जीव हैं, लेकिन बहुत उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं काफी सारे। जैसे इंद्र के लिए, इंद्र के जो आप इंद्र का नाम सुनते हैं, तो इंद्र एक डेजिग्नेशन है। तो इंद्र का डेजिग्नेशन पाने के लिए व्यक्ति को लगभग 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं। ऐसे ब्रह्मा के लिए क्वालिफिकेशन है कि 100 जन्मों तक उनको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है बिना किसी गलती के। इस तरह से अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे हमारे यहाँ भी देखा है ना, कुछ किसी को बड़ा ऑफिसर बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है। इसी तरह से इन अलग अलग पदों पर जाने के लिए जीवात्माओं को अलग अलग तरह के क्वालिफिकेशंस हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हर मानवांतर में कौन कौन देवता होंगे। हाँ, फिर ब्रह्मा जी के भी बदलने का एक टाइम आता है। तो इस तरह से ये सारी जीवात्माएं हैं जिन्हों अलग अलग कार दिया गया है। और भगवान भगवद गीता में ये भी बताते हैं कि किस तरह से जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको क्या फल प्राप्त होता है और जो भगवान के साथ जुड़ते हैं उनको क्या फल प्राप्त होता है। तो देवताओं के जो भी जो देवताओं से हमको मिलता है वो सब अशाश्वत रहता है, यानी भौतिक स्तर पे हमको मिल सकता है। जैसे प्रभु जी मोक्ष नहीं प्राप्त होता अगर हम गणेश जी माता जी इन लोगों की अगर हम पूजा करते हैं हाँ, तो? यही मैंने आपको बोला कि इन सबसे जो भी आपको प्राप्त होगा वो
भौतिक स्तर पे प्राप्त होगा जो कि टेम्पररी रहेगा। आप धन प्राप्त कर सकते हैं, आप ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं बहुत, आप काफी और भी चीजें जो आप चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। भगवान की ना सिर्फ पूजा बल भक्ति और प्रेम भगवान से करना पड़ेगा। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पूजा करके आप सोच रहे हैं कि मैंने भगवान की पूजा कर ली अब तो मुझे भगवत धाम प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं है। भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होना चाहिए और उसके बाद में हम वहां पे जा सकते हैं। और आपको प्रश्न का उत्तर मिला। हाँ प्रभु, भगवान भगवत गीता में एक और बात बोलते हैं कि अब्रह्मा भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम हाय। उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। मींस यहाँ पे आप भले ही स्वर्ग लोक से ब्रह्मलोक तक, भूलोक से ब्रह्मलोक तक जितने भी प्लैनेट्स हैं, इस स्वर्ग स्वर्ग लोक जन लोक महार लोक तप लोक, ये सब भौतिक जगत में ही है। हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह प्लैनेट्स हैं, यहाँ से शायद बहुत दूर, लेकिन ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्लैनेट्स नहीं है जो भी है। इवन ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, वो भी इस भौतिक जगत का हिस्सा है। तो यहाँ पे हर जगह ये सारी चीजें परेशानियां जो हमको यहाँ पे, वहाँ पे भी रहेंगी, अलग स्तर की रहेंगी। वहाँ पे शायद वहाँ पे हमारा जीवन काल ज्यादा रहेगा, कंफर्ट लेवल ज्यादा रहेगा, लेकिन परेशानी वहाँ पे भी है। क्या परेशानी? वापस जन्म मृत्यु की साइकिल की। तो जब तक हम यहाँ से बाहर निकलना है हमको, तो हमें भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो आपके प्रश्न का मेरे ख्याल से उत्तर मिल गया है, हाँ तो हम ठीक आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा कल के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा इंटरएक्टिव सेशन रहे ताकि आप लोग भी जुड़े रहें हमारे साथ। इसलिए कुछ प्रश्न कल के सत्र के बारे में हम देखेंगे। तो कल हमने चर्चा की थी कि ईश्वर कौन है और भगवान की समझ किन अलग अलग आधारों पे होती है। तो कोई आप बता सकते हैं कि किन तीन लेवल्स का, किन तीन स्तरों का हमने चर्चा की थी कि भगवान को किन तीन स्तरों पर समझा जाता है। चैट में बोले या आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। फर्स्ट हरे कृष्ण प्रभु जी। लेवल है जो ब्रह्म ज्योति के स्वरूप है, जो हम पूरे ब्रह्मांड में देख सकते हैं भगवान का, जो डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते पर इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं, जैसे कि नेचर है, पर माउंटेन्स है, तो ये जो प्रकृति के जितने भी अलग अलग स्वरूप है उसमें हम भगवान की शक्ति को देख सकते हैं ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में। और उसके ऊपर है जो परमात्मा, जो हर लिविंग एंटिटी, जो हर जीवात्मा के अंदर भगवान का एक परमात्मा के स्वरूप में वास होता है, जैसे कि एक दो चिड़िया के स्वरूप में, एक चिड़िया है जो आत्मा, दूसरा चिड़िया है जो भगवान का परमात्मा के स्वरूप में, जो आत्मा जैसे आत्मा के रूपी चिड़िया को देखते रहते हैं। जी और तीसरे रूप में जो है भगवान का साक्षात सच्चित आनंद का, जो भगवान का स्वरूप है जो भगवान को प्राप्त। धन्यवाद पूर्वेश प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा से समझाया। आपने आपने कल का क्लास बहुत ध्यान से सुना कि ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी रूप में है, उनका हर जगह हर कण कण में भगवान का वास है, उसको कहते हैं ब्रह्म। इम्पर्सनल फॉर्म इसको बोला जाता है। तो और दूसरा जो स्तर था वो है परमात्मा, जो हम सबके शरीर में हृदय में स्थित हैं, और जो हम हर चीज के साक्षी रहते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उसके साक्षी रहते हैं। और तीसरा जो सबसे ऊंचा लेवल है वो भगवान का पर्सनल फॉर्म जो है, श्याम सुंदर फॉर्म, जो भगवान जिसमें आध्यात्मिक जगत में हमेशा अपनी लीला करते हैं गोलोक वृंदावन में। तो ये तीन अलग अलग लेवल हमने देखे थे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो कोई बताना चाहेगा कि किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं। बहुत फेमस उसके लिए श्लोक भी हमने कल पढ़ा था। स्पाइडर हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। परित्राणा साधुना ना सहज दुष्कृता ना सहज दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संस्थापना संभवामि युगे युगे। तो इसमें भगवान बताते हैं कि किस तरह, क्यों, किस कारण से अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए,
साधुओं की रक्षा के लिए, भक्तों को अपनी लीला के द्वारा आनंद देने के लिए, ये मेन कारण है। और उसके अलावा दुनाशाय च दुष्कृताम, तो भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए भी अवतार लेते हैं और धर्म की संस्थापना करने के लिए, जो धर्म का हानि होती है उसके दोबारा से स्थापित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और किन किन अलग अलग तरह से भगवान अवतार अवतार लेते हैं वो भी हमने देखा था, किन तीन प्रकार से, किन तीन प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान सबसे पहले तो अपने स्वरूप में अवतार लेते हैं, या उनके एक्सपेंशन आते हैं अलग अलग, या उनके पार्ट एक अंश अवतार लेते हैं, इस तरह से अवतार लेते हैं। उसके अलावा भगवान जो आचार्यों के रूप में, आचार्यों को अपनी शक्ति प्रदान करके भेजते हैं। श्रुति माता जी ने लिखा है अवतार आचार और धर्म ग्रंथ, बिल्कुल सही। तो मोहित प्रभु ने भी पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है ब्रह्म परमात्मा भगवान, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। तो जैसा श्रुति माता जी ने लिखा अवतार आचार्य और धर्म ग्रंथ, तो वही मैं आपको बता रहा था कि अवतार लेते हैं या तो फिर आचार्य हमारे को शिक्षा देने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए भेजते हैं, या धर्म ग्रंथ के द्वारा भी वो अवतार लेते हैं। तो जो हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं, भगवद गीता भागवतम है, ये सब साक्षात ईश्वर का रूप है। इनको सिर्फ किताब नहीं समझना चाहिए और इनका सिर्फ पूजा घर में रखने से अच्छा है कि हम इसका अध्ययन करें, नियमित रूप से अध्ययन करें। ज्यादा नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, 15 मिनट 10 मिनट जो भी आपको जितना समय मिलता है उस हिसाब से अध्ययन करें, लेकिन नियमित रूप से अध्ययन करें। और हमने आखिरी में देखा था कि हमारी भूमिका क्या है, किस तरह से हम भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। पहले तो मनुष्य जीवन का हमको एक इम्पोर्टेंस समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में यानी 84 लाख तरह के जीव जंतु, उनमें से मनुष्य जन्म तक आना, वो हमारी कॉन्शियसनेस लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होती है और एक समय आता है जब हमें मनुष्य जन्म मिलता है, तो इस जन्म में आके फिर से हमें उस योनियों में गिरने से अच्छा है कि हम इस जन्म की महत्व समझें और भगवान का जो दिखाया हुआ मार्ग है उसके हिसाब से अपने को अलाइन करें, उस पे शास्त्रों के द्वारा जो भगवान ने बताया उस हिसाब से हम अपने जीवन को मोड़ें। और एक भगवान के साथ जुड़ने के लिए जो जो विधियां बताई गई है, जैसे जाप है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है, वो करें, इसके अलावा भगवान की सेवा करें और आखिरी में ये सब करते हुए भगवत धाम लौट जाए, ये हमारा भूमिका है इस मनुष्य जीवन का, यही जो पर्पस है यही है। तो इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक है वो है सुख की खोज, और दूसरा एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे हम, वो है कर्म का इंट्रोडक्शन लेंगे हम आज, और जो कर्म का बाकी डिटेल्स है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि कर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें काफी सारी चीजें हैं जो हमको समझना है, इसलिए थोड़ा पोर्शन आज लेंगे कर्म का और बाकी पोर्शन कल लेंगे। आज हम जीव पे चर्चा करेंगे और जीव एक्चुअली इस दुनिया में क्या खोज रहा है, तो शास्त्र क्या कहते हैं उसके बारे में वो भी हम देखेंगे। तो जो जीव है, आपको क्या लगता है, आप माफ कीजिएगा, कि जीव क्या खोज रहा है, आप लोग टाइप कर सकते हैं चैट में, किस चीज की तलाश रहती है जीव को हमेशा। सुख की तलाश है। मार्तंड प्रभु ने बोला है, निकिता माता जी भी बता रहे हैं, आर्विक प्रभु जी बता रहे हैं, आनंद की तलाश है, तो सब लोग बता रहे हैं कि आनंद की तलाश है। तो ये आनंद की तलाश क्यों रहती है, कभी कोई दुख की तलाश क्यों नहीं करता है, कोई जीवात्मा कभी दुख की तलाश करते हुए आपने किसी को देखा है कि मैं तरीके ढूंढ रहा हूँ कि जिससे मुझे और दुख हो, कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा जीव का ओरिजिनल जो स्वभाव है वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ है सत
चित और आनंद, यानी जीवात्मा हमेशा इटर्नल है, भगवान इटर्नल है, जीवात्मा भी शाश्वत है, हमेशा एग्जिस्ट करती है। चित फुल ऑफ नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे जब वो माया में पड़ती है तो उसकी जो ज्ञान है वो छुप जाता है, और जो उसको हमेशा आनंद का खोज रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव हमेशा खुशी पाने का है, सुख पाने का है। लेकिन यहाँ पे भौतिक जगत में वो सुख, कोई भी परमानेंट सुख नहीं मिल पाता है। हम हर चीज में सुख खोजते रहते हैं हर समय। कोई समझता है कि शायद मुझे बड़ी नौकरी लग जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, कोई समझता है कि या नहीं मेरे पास एक बहुत बड़ा मकान हो जाएगा, या अच्छी मेरी जगह शादी हो जाएगी, या बड़ी कार हो जाएगी तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन कभी भी वो चीजों को हासिल करने के बाद थोड़े दिन तो खुशी बनी रहती है, लेकिन फिर हम उसके आगे सोचने लगते हैं या फिर उससे हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा एटर्नल हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि जो शाश्वत रहे हमेशा, क्योंकि हम खुद शाश्वत हैं तो हम हमेशा शाश्वत चीजें ढूंढना चाहते हैं। लेकिन इस जगत में कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, इसीलिए हम हमेशा फ्रस्ट्रेट होते हैं और हमेशा हम दुखी रहते हैं। तो शास्त्र इस विषय में क्या बोलते हैं, जीव का कंपेरिजन और जानवरों का कंपैरिजन किया गया है, उसमें लिखा है, ये हम आगे भी देखेंगे श्लोक, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे, फिर आगे इस पे आगे की स्लाइड में और इसका डिटेल देखेंगे। हितोपदेश में ये श्लोक आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभि नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेन हि न पशुभि समान। यानी जानवर और जो मनुष्य है उनमें ये चार चीजें समान है, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार यानी खाना खाना, निद्रा पशु भी सोते हैं हम भी सोते हैं, भय यानी डिफेंस, यहाँ पे भय का मतलब है अपना सर्वाइवल के लिए डिफेंस करना, जानवर भी अपने तरीके से करता है हम भी करते हैं, और मैथुन यानी बच्चे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना, तो मनुष्य भी करते हैं हम भी करते हैं। इनमें हम जो पूरा लाइफ घूमता रहता है इन चार चीजों के ऊपर पीछे घूमता रहता है। लेकिन व्यक्ति में क्या विशेष है, व्यक्ति में धर्म विशेष है, और धर्म के बिना जो व्यक्ति है वो पशुतुल्य है, यानी उसके और जानवर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले हम कुछ दूसरे विषयों पर देखेंगे। तो सुख पाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति को, व्यक्तिगत स्तर पर हम देखें तो शिक्षा में कोई अच्छे से अच्छी जगह पढ़ाई करना चाहता है, कोई अच्छे नौकरी पाना चाहता है, कभी हम अपने मनोरंजन के लिए खेल देख कर खेलते हैं या देखते हैं या अलग अलग तरह से मनोरंजन करते हैं। इस तरह से हम व्यक्तिगत स्तर पे सुख पाने के लिए देखते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी लग जाएगी तो मुझे सुखी हो जाऊंगा, या अच्छी शिक्षा होगी तो। और पारिवारिक स्तर पे हम किस तरह से पारिवारिक स्तर पे हम लोग सोशलाइजिंग करना चाहते हैं, अपने परिवार में सबसे मिलते जुलते रहते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, इस तरह से हम पारिवारिक स्तर पे सबसे उसके द्वारा हम खुशी पाना चाहते हैं कि अपने परिजनों से मिलके। और इसके अलावा सामाजिक स्तर पे काफी सारी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, राष्ट्रीय निर्माण गतिविधियां, पर्यावरण के लिए एक्टिविटीज, इस तरह से हम खुशी पाना चाहते हैं, हर चीजों में खुशी ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा लेकिन हमारे साथ इश्यू यह है कि हम खुशी पाने के लिए अपने से बाहरी कारकों का आश्रय लेते हैं, ना हम अपने अंदर देखते हैं और अपने अंदर से खुशी पाने का प्रयास करते हैं, हम बाहरी चीजों के थ्रू खुशी पाने का चाहते हैं, दूसरे कारणों से हम खुशी पाने का चाहते हैं। जैसे कई लोगों को आपने देखा है कि उनको शराब या ड्रग्स या पार्टी करना पसंद है, क्लब जाना पसंद है, गपशप, इसमें खुशियां ढूंढते हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि दूसरों में झगड़ा लगा के उनको बहुत मजा आता है, या चुगली करने में बहुत मजा आता है, या कुछ पॉलिटिक्स करते हैं। जनरली ऑफिस वगैरह में जो लोग काम करते हैं वो देखते होंगे कि इस तरह से कई लोग रहते हैं जिनको दूसरों को परेशान करके टॉर्चर करके मजा आता है, और परिवार में भी ये कभी कभी देखा जाता है। कई लोगों को दूसरों को ऊपर मजाक करके या दूसरे का मजाक उड़ा के व्यंग करके कुछ कमेंट पास करके मजा आता है। इस तरह से हर व्यक्ति अलग अलग तरह से खुशी ढूंढता है बाहरी कारणों से, कोई व्यक्ति अपने अंदर से खुशी पाने का प्रयास नहीं कर रहा है, और इसी वजह से इश्यूज आते हैं। तो खुशी के लिए हमारी खोज ऐसा नहीं है कि हम बड़े हुए तो शुरू हुई, जब हम सबसे हम छोटे थे, जब से हम बचपन से ही हमारी खुशी की खोज शुरू हो जाती है, और समय के हिसाब से बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। जैसे बचपन में हम
एक छोटी सी चीज से खुश हो जाते थे, छोटा सा कुछ चॉकलेट मिल गया खुश हो जाते थे, छोटा सा खिलौना मिल गया खुश हो जाते हैं। अब हम हमारे जो प्रेफरेंस बदल गए हैं, अब वही चीज हमें खुशी नहीं देती, अभी हमें कुछ और चीज चाहिए, लेकिन हमारी तलाश बनी हुई है। और ये हम ऐसा नहीं है कि अभी चली जाएगी और बुढ़ापे में हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, बुढ़ापे में अलग चीजों से हम खुशी तलाशते हैं, तो ये हमारे मृत्यु तक ये खुशी की तलाश बनी रहती है। और हर व्यक्ति अलग अलग चीजों में खुशी का ढूंढ तलाश करता रहता। तो हमको लगता है कि खुशी का मतलब है कि सुधार, यानी जो हमने देखा आहार निद्रा भय मैथुनम, इन चीजों में हम अगर सुधार कर लें, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लें, तो हमको खुश हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमको लगता है कि आज हम 1 लाख कमा रहे हैं, शायद से हम 1.5 लाख कमाने लगे, 2 लाख कमाने लगे, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, फिर हम बहुत खुश हो जाएंगे। जब वो और हो जाता है तब हमको लगता है नहीं और ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखें आहार में जानवर जहाँ पे भी उसको खाना मिलता खा सकता है, रोड पे खा लेगा, कहीं पे भी बनेगा, कचरे में से उठा के ले लेगा। हमारा एक स्टैंडर्ड है कि नहीं हम थोड़ा कुकिंग करेंगे बराबर से, कुकरी शो में से 2-3 रेसिपी देख के बनाएंगे खाएंगे। निद्रा के लिए हमारा स्टैंडर्ड अलग है, वैसे ही डिफेंस के लिए हमारे पास आर्मीज हैं, लेकिन जानवरों का अपना एक सिस्टम है। तो हमको लगता है जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारी खुशी का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन आप खुद भी देखेंगे कि हम जब बचपन में थे और हमारे माँ बाप का जो खुशी का लेवल था, और अब हम शायद से वो भौतिक स्तर पे शायद और अच्छे हो गए होंगे फाइनेंशियली या कुछ है, लेकिन जो उस टाइम का बात था अब वैसा नहीं दिखता है। तो सिर्फ स्टैंडर्ड बढ़ने से खुशी बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कई लोगों में कंटेंट हो तो वो खुश हो, लेकिन ये कोई एक फिक्स चीज नहीं है कि मैं अगर अपना चीजों का स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। अब जानवरों के पास भी मित्र हैं, जानवरों के पास भी आनंद है, परिवार है, उनका अपना तरह से है, वो उनके पास हमारे जैसी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास भी परिवार है, उनके पास भी मित्र है, और वो उनका आनंद का लेवल भी उनके पास अलग है। तो फिर जब ये सारी चीजें मनुष्य और पशु में समान है तो दोनों में अंतर क्या है? जानवर भी खाना खा रहा है, हम भी खाना खा रहे हैं, जानवर भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं, जानवर भी परिवार में रहता है, बच्चे पैदा करता है, हम भी करते हैं, जानवर अपने तरह से अपनी जितना वो समर्थ है उस हिसाब से अपना डिफेंस करता है, हम अपने हिसाब से अपना डिफेंस करते हैं, लेकिन क्या अंतर है दोनों में? कोई बोल सकता है कि जानवरों में बुद्धि कम होती है, ऐसा है क्या? लेकिन जानवरों की शरीर के हिसाब से उनकी बुद्धि है। अगर आप देखेंगे कि एक स्पाइडर है, वो कितने अच्छे से अपना जाल बुनती है, उसके अपना शिकार फंसाती है, खाती है, तो उसके जितना उसका शरीर है, जितना उसको रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसमें बुद्धि है। ऐसे ही आप अलग अलग जानवरों को देखेंगे, उनका भी शिकार का अपना अलग अलग तरीका होता है, प्लान बनाते हैं, वो शिकार करते हैं, अपने लिए घरों का निर्माण करते हैं, कई चिड़ियों को आपने देखा होगा घोंसला किस तरह से बनाते हैं, तो उनकी बुद्धि भी उनके शरीर के हिसाब से है, लेकिन फिर अंतर क्या है? तो हम देखेंगे, ये कुछ जानवर दिए हैं यहाँ पे, तो इन सब की कुछ कुछ विशेषता है। जैसे हम ईगल देख रहे हैं, तो ईगल की कोई विशेषता बता सकता है, क्या विशेषता होती है ईगल में? ईगल में क्या विशेषता होती है? उसकी नजर। नजर, तो ईगल बहुत ऊपर से देख सकता है, हमारे नजर उतनी अच्छी नहीं होती है कि हम इतनी ऊपर से देख लें, हम अपनी बिल्डिंग से ही नीचे दिखते हैं तो कई बार कुछ चीज नहीं देखेगी, लेकिन ईगल बहुत ऊपर उड़ते हुए भी अपने शिकार को देख लेता है। उसी तरह घोड़ा है, तो घोड़े की आप विशेषता देखेंगे तो बहुत तेज दौड़ सकता है, उस हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत होती है, हाथी बहुत स्ट्रांग है, भारी भरकम है, पोलर बियर है या वो बहुत सोता है, 6 महीने सोता है, हाइबरनेट करता है। उसी तरह से चिड़िया है, कई वो अपना घोंसला बना सकती हैं, बहुत अच्छे से उड़ती हैं, जो उड़ने की शक्ति हमारे पास नहीं। इसी तरह हर प्रजाति में अलग अलग विशेषताएं हैं। और कुछ कुछ चीजों में तो
जो जानवर है इंसान से भी बेहतर होते हैं, जैसे कई इंसान कई जानवर इंसान से अच्छा सूंघ सकते हैं, उनके पास जो सिक्स सेंस कई जानवरों का बहुत अच्छा होता है, उनको खतरा का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, और उनके पास उनके शरीर के हिसाब से शक्ति और बुद्धि भी होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ कोई म्यूट नहीं है, माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो हेलो। हाँ माता जी। हाँ, वो इंसान जो है, भगवान जानवर जो है वो सोना खाना और यही सब कर सकता है, लेकिन इंसान जो है वो आध्यात्म की तरफ जा सकता है, दोनों में यही फर्क है। बिल्कुल सही। तो इंसान के पास जो माता जी ने जैसा बोला कि आध्यात्म के तरफ जा सकता है, वो ये क्वेश्चन कर सकता है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्यों है, मैं क्यों इन सब परेशानियों से गुजर रहा हूँ, तो वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। हाँ, मनुष्य के पास बहुत सारी तकनीक है। आप बोल सक कोई बोल सकता है कि जानवरों के पास तो तकनीक नहीं है, लेकिन जो तकनीक है, इतनी सारी प्रगति के बावजूद भी आधुनिक मनुष्य जो है वो काफी, आप देख सकते हैं, असंतुष्ट है, चिंता से भरा हुआ है, तनावग्रस्त रहता है, उदास है, और सबसे ज्यादा दुखी रहता है। क्यों रहता है? जानवरों के पास इतनी तकनीक नहीं है जो हमारे पास है, उनके पास ना तो हमारे जैसा एसी है, ना कार है आने जाने के लिए, ना मोबाइल फोन्स हैं, या और कंप्यूटर जैसी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इंसान ज्यादा उनसे ज्यादा बुरी अवस्था में है, मानसिक तौर पे अगर देखा जाए तो। क्यों है? क्योंकि असंतुष्ट क्यों रहता है व्यक्ति, या चिंता से क्यों वो भरा रहता है, तनावग्रस्त क्यों रहता है? क्योंकि वो अपनी असली पहचान को नहीं समझता, अपनी असली आइडेंटिटी को ना पहचान के वो इस बॉडीली कॉन्सेप्शन में हमेशा जीवित रहता है, और इसी कारण से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे जानवरों में। अगर आप देखें तो जानवरों में आप कोई दंगे फसाद का केस नहीं सुनेंगे, लेकिन यहाँ ह्यूमंस हैं जो इतना समझदार होने के बाद भी छोटी छोटी बातों पे दंगे फसाद होते हैं। जानवरों में कोई आत्महत्या नहीं करता, यहाँ पे आप देखेंगे कि आत्महत्या के केस डेली बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के दौरान काफी लोगों ने आत्महत्या करी। कोई तलाक का केस जानवरों के में आपको सुनाई नहीं देगा, कि वो हमेशा अपना जीवन साथी का साथ निभाएंगे। नशीली दवाओं का सेवन का कोई केस नहीं। क्यों? क्योंकि जानवरों को जो बुद्धि दी गई है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इंसान को जो बुद्धि दी गई है वो उसका सही यूज ना करके गलत जगह लगा रहा है। तो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ क्या बताता है? जैसा अभी माता जी ने बोला कि धर्म जो है, अध्यात्म के प्रति जाने के लिए हमको धर्म यानी हमको हमारी ड्यूटी का एहसास होना बहुत जरूरी है। तो ये श्लोक फिर से हम देखेंगे, आप लोग भी चाहें तो दोहरा सकते हैं, म्यूट ही रहिए ताकि थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ओवरलैप होती है आवाज तो बहुत डिस्टरबेंस होता है, लेकिन आप लोग दोहरा सकते हैं मेरे पीछे पीछे। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेन हीना पशुभिः समाना। तो इसका अर्थ क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, ये मनुष्य और पशु में समान है। इंसान में केवल विशेष धर्म है, अर्थात बिना धर्म के व्यक्ति पशु तुल्य है। तो यहाँ का धर्म का अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति हिंदू है, एक आदमी मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है, नहीं। धर्म का अर्थ है कि उसमें सही गलत के बीच में भेद करने का समझ है, वो क्वेश्चन कर सकता है, वह विचार कर सकता है, जिज्ञासा कर सकता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, कि मैं क्यों, कौन हूं मैं, इस जगत में क्यों आया हूं, और यहाँ पे मुझे दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं, इस सब से बाहर निकलने का क्या साधन है, और उस पर चलने का मार्ग क्या है। ये सब क्वेश्चन एक मनुष्य कर सकता है, इसलिए मनुष्य जन्म को बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और मूल्यवान बताया गया है। क्योंकि आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक कुत्ता मंदिर आके कुछ प्रवचन सुनने के लिए आए और बोले कि हाँ मैं प्रवचन सुनूंगा, या कोई भी जानवर भगवान के बारे में क्वेश्चन करे, वो चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो कॉन्शियसनेस नहीं दी गई, उसका जीवन जो है इंस्टिंक्ट बेस है। इंस्टिंक्ट बेस का मतलब
और उसको भूख लगती है वो खाना खा लेता है, जब उसको नींद आई वो सो जाएगा, जब उसको भूख नहीं है तो वो किसी पे अटैक नहीं करता बिना, जब तक उसको कोई खतरा महसूस ना हो। शेर को भी देखा है, जब उसका पेट भरा है तो वो किसी को मारेगा नहीं। तो इस तरह से उनका जीवन पूरा इंस्टिंक्ट बेस्ड बेस्ड रहता है, लेकिन हमारा जो जीवन है चॉइस बेस्ड है, और चॉइस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जहां पे आप कुछ अलग अलग चीजों में से कुछ चुन सकते हो, यानी आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही चीज को चुनना है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी ऐसा हो गया है कि लोग इस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल के सिर्फ चॉइस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि मैं क्या चुन सकता हूँ, अपने धर्म को भूल गए हैं कि मुझे इस जीवन में अध्यात्म की तरफ जाके अपने जीवन को सफल बनाना है, पर्पस ऑफ लाइफ पूरी तरह भूल गए हैं। और हमारी शिक्षा प्रणाली भी आजकल इस तरह की हो गई है कि उसको और भुलाते जा रहे हैं लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे तो परम सत्य की समीक्षा, यानी हमको जानना है कि परम सत्य क्या है। तो श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक जो है वो यही बताता है, मैं आपको बताता हूँ श्लोक, एक मिनट। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट श्लोक फर्स्ट वर्स। जन्मादस्य यतोन अन्वयादितरस्यार्थे शभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदा या अधिकवये मुह्यंती युत्सुरः तेजोवारि मृदाम यथा विनमो यथा तिसर्गो मृषः धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्य परम धीमहि। तो यहाँ पे भगवान के बारे में सब बताया गया है कि भगवान किस तरह से सभी चीजों के स्रोत हैं, वही परम सत्य हैं, सभी चीजों के कारण हैं, और वही इस संसार का पालन पोषण करते क्रिएशन करते हैं, पालन पोषण करते हैं और आखिरी में नष्ट करते हैं। और इसमें यह भी बताया गया कि भगवान स्वराट हैं। स्वराट का अर्थ क्या होता है कि भगवान इंडिपेंडेंट हैं, उनको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो स्वराट हैं। और सबसे पहले भगवान ने ही वैदिक नॉलेज ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित की थी, उसके बाद उनके थ्रू ही जो सारे ऋषि मुनि हैं और जो डेमिगॉड्स हैं वो सब भी इल्यूजन में पड़ जाते हैं कभी कभी, वो उन लोगों को भी इल्यूजन में डाल दे सकते हैं। और उनके कारण ही ये जो पूरे ब्रह्मांड है ये उनके कारण ही मैनिफेस्ट होते हैं और इनके अंदर जीव रहते हैं। तो भगवान के सॉरी तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में जो चित्र में दिया गया है वो है भगवान के धाम का चित्र बनाया गया, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं गोलोक वृंदावन। और वहां पे आप देख रहे हैं कि उस धाम में हमको जाना है, किस तरह से जाना है, वहां पे नीचे आप तस्वीर में देखेंगे कि परीक्षित महाराज, सबसे नीचे की लेफ्ट साइड की तस्वीर है, जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम वो सुने उन्होंने कब सुना, जब उनको श्राप मिला था कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, और जब ऐसा उनको पता चला तब उन्होंने फैसला किया कि वो 7 दिन तक भगवान के बारे में सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, और सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें भागवत सुनाई और उन्होंने अपना जीवन परफेक्ट किया। और इसी तरह से हम इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। आप वहां पे राइट साइड में बीच में देखेंगे तो दुर्गा देवी हैं, जो दुर्गा देवी हैं वो मटेरियल एनर्जी हैं, यानी भगवान की देवी शक्ति हैं, वो इस पूरे जगत का देखरेख करती हैं और एक जेलर के जैसे हैं वो, यहाँ से किसी भी सोल को जब तक वो प्योर नहीं होता उसको बाहर नहीं जाने देते, बिल्कुल वो नहीं जा सकता जब तक वो पूरी तरह से प्योर ना हो जाए। तो दुर्गा यानी दुर्ग यानी इस एक फोर्ट के जैसा ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड है और दुर्गा देवी उसको चारों तरफ से सुरक्षा करती हैं उसका, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। तो किस तरह से हम जो भी महान गुरु हैं उनके थ्रू हम नॉलेज लेके और भक्ति का प्रैक्टिस करते हुए इस जगत से वापस गोलोक तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि मानव अन्य प्रजातियों के विपरीत कार्रवाई के परिणामों के लिए जिम्मेदार है, जो
जानवर है उनके अंदर कर्म नहीं होते, क्योंकि उनका जीवन है जो इंस्टिंक्ट बेस्ड, जब चॉइस होती है वहां पे कर्म होते हैं। तो मानव जीवन अन्य प्रजातियों जैसा नहीं है, उसके लिए कर्म अप्लाई होते हैं। मानव जीवन क्यों मिला है? हमारे जो अस्तित्व है उसके उद्देश्य को साकार करने के लिए मिला है। यानी हम जो एक जीवात्मा है, हम इस जगत में आए हैं, हमको अपने आप को दोबारा से रियलाइज करना है, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना है और वापस भगवत धाम जाना है। मानव जीवन परम सत्य की खोज के लिए है। तो ये जीवन हमको मिला है कि हम किस तरह से परम सत्य को खोज के वापस भगवान के पास जा सकते हैं। तो भगवत गीता 13.19 एक कंक्लूजन क्या है हम देखेंगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखानुदोष दुखा दोषानुदर्शनम। किसी भी के भी व्यक्ति के जीवन की मेन प्रॉब्लम्स क्या है? हमको लगता है कि शायद प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ और है, या कुछ परिवार में झगड़ा है वो प्रॉब्लम है। नहीं, मेन प्रॉब्लम्स जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के हैं, वेदों में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उसके सबसे प्रॉब्लम का मतलब क्या है? प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो सब पे अप्लाई हो। अगर हम जीवन के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एक डेफिनेशन ये है कि वो सबके लिए होने चाहिए और कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहिए। यानी सबके लिए अप्लाई होती है वो, कोई भी उससे बच नहीं सकता। तो क्या प्रॉब्लम्स है चार जीवन की? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म, अब आप बोलेंगे कि जन्म कैसे प्रॉब्लम है? जन्म के समय तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि घर में बच्चा आया है, सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जीव के लिए एक्चुअली जन्म ही सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब जन्म होता है तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक उसके पीछे, मृत्यु जरा व्याधि ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। और यानी आपका जन्म हुआ है, यानी आपका साइकिल कंटिन्यू चल रहा है इस भौतिक जगत में। तो जन्म के समय जो बच्चा रहता है एक बहुत छोटी सी जगह में, किसने कॉम्पैक्ट जमे जगह में माँ के पेट में रहता है, जब पैर मोड़ के सर मोड़ के उसको रहना पड़ता है। अगर हमें इस अवस्था में इस अभी रखा जाए तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरह से पैर मोड़ के हाथ मोड़ के हम नहीं सरवाइव कर सकते, लेकिन बच्चे को उस समय रहना पड़ता है और बहुत तकलीफ भरा टाइम रहता है वो 9 महीने का बच्चे के लिए। लेकिन फिर भी जब वो जन्म लेता है तो फिर इस जगत की माया में पड़ जाता है। और फिर दूसरे जो प्रॉब्लम बताई गई है वो है जरा मृत्यु। मृत्यु तो जैसे ही मृत्यु होगी तो दोबारा से नेक्स्ट जीवन में ले जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च गीता में कहा गया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है इस भौतिक जगत में। तो इसीलिए जन्म मृत्यु दो बड़ी प्रॉब्लम्स है। फिर क्या है? जरा व्याधि यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में आप देखेंगे कि शरीर साथ नहीं देता है, और रोग यानी अलग अलग डिजीज। तो ये सबको ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि इंद्रिय तृप्तियों का जो विषय है उनका हम परित्याग करें, अहंकार से मुक्ति पाएं और वैराग्य पाएं। वैराग्य सुख देता है और लगाव दुख देता है। वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में जाके बैठ जाएं सब कुछ छोड़ के, दैट इज नॉट वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं उनको हमको ये समझना पड़ेगा कि वो टेम्पररी है, चाहे वो कुछ भी हो, हमारे संपूर्ण परिवार हो या रुपया पैसा हो या इवन फेम हो या जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी हो, वो सब टेम्पररी है। हमारे पास जो होने के बाद भी हमको उनसे डिटैच रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सबको सब सब कुछ त्याग के जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास है तो कल नहीं भी हो तो हमको कोई फर्क ना पड़े, इस तरह से हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। आज है हमारे पास लाखों रुपए, ठीक है, कल नहीं है तो भी हमको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? ये इतना आसान भी नहीं है इनसे डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट कब होगा? जब हम किसी हायर चीज से जुड़ते हैं, जैसे भगवान से हम जब जुड़ते हैं, जब हमें हायर टेस्ट मिलने लगता है, तब हम ये जो निचले टेस्ट हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि एक बच्चे के पास छोटी सी चॉकलेट है, आप उससे चॉकलेट मांगोगे तो आपको वो नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसको एक बड़ी चॉकलेट दोगे तो शायद आपके हाथ में वो चॉकलेट देके आप बड़ी चॉकलेट ले लेगा। तो इसी तरह से हमको भी, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते तब तक इन सब चीजों से मुक्ति पाना, इन सब चीजों से डिटैच होना बहुत कठिन होता है। गायब हो गया मेरा भाई। हाँ तो नहीं है तो
बोलना नहीं तो मुझे क्या पता आपका चलेगा तो मेरा गायब हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के हिसाब से हमने देखा कि वैराग्य पाना चाहिए, और वैराग्य पाने के लिए हमको भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है। भगवान से जुड़ा बिना वैराग्य पाना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक कोई हायर टेस्ट नहीं है तब तक हम लोअर टेस्ट को नहीं छोड़ सकते। तो ये जो डिटैचमेंट का अटैचमेंट का और डिटैचमेंट का एग्जाम्पल देखेंगे कि भरत महाराज के कहने देखेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि कैकई ने मंत्रा के कहने पर राम जी को वनवास दिला दिया। अब जब राम जी को वनवास मिल गया तो क्यों कारण से कैकई ने ऐसा किया? कैकई खुद भी राम को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मंत्रा ने जब उनको भड़काया तब उनका जो अटैचमेंट था एक इम्पोर्टेंस पाने का, उन्होंने ये बोला कि अगर वो राम राजा बन जाएंगे तो जो कौशल्या है वो तो महारानी बन जाएंगे और फिर आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा जैसा भी मिलता है। तो वो जो अटैचमेंट था इम्पोर्टेंस के लिए, और फिर दूसरा अटैचमेंट उन्हें अपने बेटे के लिए मंत्रा ने थोड़ा मैनिपुलेट किया। पहले कैकई तैयार नहीं थी, लेकिन उस मोह के कारण, अटैचमेंट के कारण वो तैयार हो गई, और उन्होंने बोला कि राम वनवास जाएंगे और ये तक बोला कि आपको पेड़ की छाल पहन के रहना पड़ेगा, आप ये कपड़ों में नहीं जा सकते। इवन सीता को उन्होंने पेड़ की छाल पहनने को कहा। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा अपने अटैचमेंट के कारण, और जब भरत वापस आए तो भरत ने उनको काफी बुरा भला कहा। उन्होंने बोला कि आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि राम वनवास चले जाएंगे और मैं राजा बन जाऊंगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनका जो अटैचमेंट था उनके दुख का कारण बना, क्योंकि ना तो राम भी चले गए, राम से भी वो प्रेम करती थी, मोह में पड़ के अपने उन्होंने राम को भेज दिया, लेकिन भरत भी राजा नहीं बने, वो भी वनवासी के जैसे अयोध्या के बाहर उन्होंने 14 साल बिताए, और कैकई को दुखी झेलना पड़ा, अटैचमेंट के कारण उनको दुख झेलना पड़ा, दोनों पुत्रों वनवासी बन के रहे, इवन लक्ष्मण और सीता भी। तो इस तरह से उनको काफी गिल्ट रहा पूरे 14 साल, और पछतावे में उन्होंने बिताए। तो अटैचमेंट के कारण ये सब चीजें होती हैं, आदमी को गिल्ट भी होगा पछतावा भी होगा। और एक सर्वे के हिसाब से हमारी जो वृद्ध आबादी है उसका अधिकांश हिस्सा जो है उनको किसी ना किसी चीज का गिल्ट है और अफसोस है जीवन में अटैचमेंट की वजह से। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी समस्याओं का कारण क्या है। जैसा कि हमने देखा अटैचमेंट एक कारण है, और आगे हम देखेंगे भगवद गीता 7.27 में कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयन्ति परंतपः। तो भगवान बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो डिजायर्स के कारण और हेट के कारण जो व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है उससे ऊपर जो जीव है वो इल्यूजन में पड़ जाता है। तो जीव के बारे में शास्त्रों में कहा गया कि हर मनुष्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं, वो 4 प्रकार के दोष लेकर ही पैदा होता है हर मनुष्य। क्या दोष है? इम्परफेक्ट सेंसेस, यानी जो हमारे इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट हैं, लिमिटेड हैं। जैसे हम देखेंगे कि हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देख सकते हैं, हम सूंघने की शक्ति हमारी लिमिटेड है, देखने में भी हम सब तरह की लाइट नहीं देख सकते हैं, जो विजुअल स्पेक्ट्रम है सिर्फ उसी की लाइट देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेज हम लोग नहीं देख पाते हैं। और सूंघने की शक्ति भी हमारी एक लिमिट होती है, सब तरह की सुगंध हम नहीं सूंघ सकते हैं, हमसे बेहतर सूंघने की शक्ति कई जानवरों में होती है, जैसे कुत्ते में देखें आप, उनमें हमसे ज्यादा अच्छी शक्ति होती है सूंघने में। और इसी तरह से सुनने की शक्ति, कुछ पर्टिकुलर चीजों तक ही सुन सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी तक। इसके अलावा हमारे जो दूसरी डिफेक्ट है वो है हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप रेगिस्तान में जाते हैं तो पानी दिखने लगता है, रोड पे भी कभी कभी गर्मियों में देखा पानी दिखने लगता है, बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन है। और इस संसार के भी इल्यूजन में हम पड़ जाते हैं, जो हम अपने आप को बॉडी समझ के उसके हिसाब से बॉडी से संबंधित सारी चीजों को अपनी समझ बैठते हैं, और जब वो चीजें छूटती हैं तो हमको दुख होता है। तो ये हमारी समस्याओं का कारण इस कारण से भी होता है। टू कमिट मिस्टेक, हर व्यक्ति गलती करता है, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि मैं गलती नहीं करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बोलता है
कि मैं गलती नहीं करता हूँ तो भी वो गलती कर रहा है क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में बना नहीं है कि जो गलती ना करे। आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा संसार में जो गलती ना करे? टाइप कर सकते हैं चैट में, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलती ना करे? पुरेश प्रभु बोल रहे हैं नहीं, श्रुति माता जी बोल रहे हैं नहीं, निकिता माता जी बोल रहे हैं नहीं, तो सब एग्री करते हैं। तन्मय बोल रहे हैं नहीं, तो सब मनुष्य गलती करते हैं। तो ये हमारा एक इनबिल्ट डिफेक्ट है जो गलती करते ही करते हैं। जैसे इंग्लिश में कहा हुआ था टू आर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। और जो चौथी चीज है वो है चीट करना, तो चीट भी करते हैं, ये भी एक प्रोपेंसिटी है। छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, कुछ खा रहे हैं आप पूछेंगे खाया आपने ये खाया, तो तुरंत मना कर देते नहीं, या कुछ चीज कभी टूट गई उनसे तो हम पूछने जाते हैं तो नहीं मैंने नहीं तोड़ी बोल देते तुरंत, और बड़े में भी ये रहता है। और ये जो चार तरह के डिफेक्ट है इनमें हम एक ये देखेंगे सीक्वेंस कैसा है। हमारे जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट रहते हैं, सेंसेस के इम्परफेक्ट होने के कारण हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं, और जब हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं तो हमसे मिस्टेक्स होती हैं, और जब मिस्टेक्स होती हैं तो उन मिस्टेक्स को छुपाने के लिए हम चीट करते हैं, उनको छुपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है इन चारों डिफेक्ट्स का, इसके कारण से हमारी समस्याएं बढ़ती हैं। तो इन समस्याओं से पार पाने का क्या तरीका है? तो योग बताया गया है कि योग का अर्थ क्या है, कृष्ण के साथ मन को एकाग्र करना और इंद्रियों को जोड़ना। तो हमने जनरली योग सुनते हैं तो हमको लगता है कि योग यानी सिर्फ जो एक्सरसाइजेस होती है फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगासन, सिर्फ उसी को योग बोलते हैं। लेकिन योग का जो अर्थ है संस्कृत में, उसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो होता है कि टू कनेक्ट। किससे कनेक्ट करना है? डिवाइन से, डिवाइन से कनेक्शन को योग कहा गया है। तो भगवान के साथ अपने मन को एकाग्र करना और इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ना, यही एक योग की प्रक्रिया है। तो हमको इस तरह से हम इन अपनी समस्याओं से पार पा सकते हैं भगवान के साथ योग के तरह। किस तरह करें? आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे हम हर सेशन में बताते रहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आज आखिरी सेशन में, सेशन के आखिरी में हम थोड़ा सा एक दो मिनट जाप करेंगे और उसका आपको एक्सपीरियंस होगा। तो परम सुख का सिद्धांत, तो खुशी का सूत्र क्या है? खुशी का सूत्र यही है कि आप आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़े रहिए। भगवत गीता में भी इस विषय में बोला गया है 2.66 श्लोक में, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावायत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। यानी जो परमात्मा से जुड़ा नहीं है उसके पास ना तो दिव्य बुद्धि हो सकती है, ना ही स्थिर मन हो सकता है, और बिना शांति की कोई संभावना नहीं। जब तक आपका मन स्थिर नहीं है तब तक आप शांति आपको नहीं मिल सकती। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग रहते हैं कि उनके पास सब कुछ चीजें हैं लेकिन उनका मन स्थिर नहीं है, कभी भी उनका माइंड एक जगह नहीं रहता है, और उस कारण से वो मिजरीज में रहते हैं हमेशा, कभी भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और हमेशा वो मिजरेबल कंडीशन में मिलेंगे, आपको दुखी कंडीशन में मिलेंगे। क्योंकि शांति जब तक आपको नहीं है तब तक आपको, आप कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो आप लोग को क्या लगता है, ये सही बात है? एग्री करते हैं आप इस चीज से? टाइप कर सकते हैं आप? ओके, पुरेश प्रभु बोल रहे हैं सही, श्योरली अर्पिता माता जी बोल रहे हैं सही, स्वाति माता जी बोल रही हैं सही, पुरुष प्रभु जी ने बोला आफ्टर चैंटिंग वी कैन रियलाइज, बिल्कुल सही बात है कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमको काफी सारे रियलाइजेशन होते हैं। तो इन सब चीजों को सिर्फ सुनना और उसको रियलाइज करना, ये दोनों अलग चीज है। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमको ये सारी चीजें रियलाइज होती है। चैंटिंग के वक्त हमको जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, उससे हमको ये चीज जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमको सच में रियलाइज होगा, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो तब हमको रियलाइज होता है। तो हमारी सभी समस्याओं का उत्तर क्या है? तो हमने देखा हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है कि भगवान से जुड़े रहना। और भगवान से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं?
वो है भगवद गीता के द्वारा। तो जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, चैंटिंग करते हैं और जो भी भक्ति में कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उसके थ्रू हम हमारी समस्याओं के उत्तर हमको मिल सकते हैं। तो जब हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तब हम अपनी पहचान को समझ सकते हैं, हमारी जो शाश्वत पहचान है एक आत्मा की उसको हम समझ सकते हैं। हमारे जीवन के जो उद्देश्य है वो हमको समझ में आते हैं कि हमारे जीवन में हमको एक्चुअली जो हमारा मेन उद्देश्य है वो क्या करना है। ठीक है, हमारे जो सब गोल्स हैं हमारी लाइफ में कि हमको अपने परिवार का ख्याल रखना है, जीवन यापन के कार्य करने, वो सब सब गोल्स हैं, लेकिन हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसके लिए हमको हमेशा कार्य करना चाहिए। हमें कार्रवाई का सही तरीका सिखाता है, क्या सही तरीके से कार्य करना है वो हमको भगवत गीता सिखाती है। गंभीर समस्या के समाधान को प्राथमिकता देना है। हमने अभी देखा कि चार मुख्य समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा मींस ओल्ड एज, और सॉरी जरा मींस ओल्ड एज, और व्याधि मींस जो बीमारियां हैं। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीजें हैं जो बहुत मेन समस्याएं हैं हमारे जीवन की। तो इनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे अगर तो हमको सही काम हम कर पाएंगे और विधाता से जुड़े रहते हैं। तो जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो हम ऑटोमेटिकली कृष्ण से जुड़ेंगे। तो आज का हमारा ये जो पहला था जीव का सेशन, वो अभी तक हमने कर लिया है। और जीव का सेशन में आज हमने देखा कि हम सब सुख की तलाश कर रहे हैं और अलग अलग चीजों में लोग सुख ढूंढ रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पे, फिर पारिवारिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे हम लोग खुशी की तलाश कर रहे हैं। और हमने देखा कि पशु और मनुष्य में क्या क्या समानताएं हैं, और अगर मनुष्य में धर्म नहीं है तो मनुष्य भी पशु के समान है। फिर हमने आगे देखा कि हम उस कोई म्यूट नहीं है, माता जी म्यूट कर लीजिए। ओके, तो उस धर्म को हम भगवान को हम किस तरह से हमने चार तरह के प्रॉब्लम्स देखे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए वो हमने देखा। अभी हम देखेंगे कर्म के, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे आज। कर्म का जो फुल सेशन होगा वो कल होगा और डीपली हम देखेंगे कर्म में, लेकिन अभी एक इंट्रोडक्शन लेंगे छोटा सा आज के दिन। तो कर्म, कर्म क्या है? लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी जैसा आप कार्य करेंगे उस हिसाब से आपको परिणाम मिलेंगे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो छोटा सा वीडियो मैं प्ले करना चाहूंगा आपको जो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी और देगा, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। जस्ट अ मिनट। So his question is, आपको वीडियो दिख रहा है? ओके, साउंड भी आ रहा है ना? आ रहा है। ओके, लक और डेस्टिनी, व्हाट रोल डज इट प्ले इन विक्ट्री और सक्सेस, राइट? इज इट ऑल हार्ड वर्क? इज इट ऑल डेस्टिनी? व्हाट इज इट? नाउ इन माय हम्बल ओपिनियन, destiny is the situations that come to you which are beyond your control. For example, you didn't choose your parents. Did any of you choose your parents? You were destined. That was destiny. You were born. Aisa nahi bole ye mere baap, ye mere maa, main avatar dunga inse. Have you ever thought like that? Never. Did you ever choose your looks? Aisa na hoga, aisa bole. Did you choose? No one looks as good as their Facebook profile picture and no one looks as ugly as their Aadhaar card picture. No one. No one looks like that. Correct? So, situations. Situations are destiny. You didn't choose them. They came to you. If someone comes and insults me, I didn't choose it. It came to me. That situation is destined. But my response to those situations is my choice. Response is not destiny. What I choose is my choice, and when I choose it, that decides my future destiny. This is why they say man is the maker of his
destiny, not situations. Situations will remain what they are, but how you respond to those situations is completely and entirely your choice. So now, for example, some of you may have just got admission in a mediocre, simple college. Why? You couldn't crack it to go to IIT Mumbai. You couldn't crack it to any of those places. No issues, right? It's not that only IITians succeed, is it? You have that situation which is destined. Now you have a choice to work hard, to cultivate that attitude. That attitude is not destiny. That attitude is a choice. And when you choose that attitude, hopefully victory will come to you right away. Even if it doesn't come to you right away, you have sown the seed that will pay back. The seed that is sown will certainly fructify. Now, 10 years down the line, 20 years down the line, or later. This is why persistence, sticking it out, is so much essential. Thank you very much, sir. Okay. So, प्रभु जी ने गौर गोपाल प्रभु जी ने बहुत अच्छे से कर्म और डेस्टिनी के बीच में बताया. तो डेस्टिनी जो है फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जो हमारी लाइफ में आती हैं. हमारे पुराने जो भी कर्म हैं उनके जरिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हमारी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी जो फेवरेबल भी हो सकती है अनफेवरेबल भी हो सकती है. वो हमारी डेस्टिनी होती है. लेकिन हम किस तरह से उस डेस्टिनी को रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, इस पे हमारी फ्यूचर डेस्टिनी निर्धारित होती है. तो और डिटेल में हम इसके बारे में देखेंगे. लेकिन बेसिक चीज ये है कि एस यू सो सो शैल यू रीप. जिस तरह से हम कार्य करेंगे उस तरह से हमको फल मिलेगा. हम आज जिस तरह से बीज बोएंगे वही हमको पेड़ कल मिलेगा. आज हम अगर आम का पेड़ बोते हैं तो कुछ साल बाद उसमें आम के निकलेगा, आम के ही फल मिलेंगे हमको. ऐसा नहीं है कि उसमें सेब उगने लगेंगे. यस प्रभु जी, हमारे कर्माज भी तो भगवान ने डिसाइड कर रखे होंगे ना. नहीं, कर्मा जिस तरह से प्रभु जी ने बताया कि हम अपनी चॉइस के हिसाब से, हमारे पास चॉइस रहती है और उस हिसाब से हमारे कर्म, हमारी इच्छा के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं और इसके हिसाब से हमारे कर्म जनरेट होते हैं. लेकिन उन कर्मों का फल जो है वो भगवान तय करते हैं और उस हिसाब से हमारी आगे की जो फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी, अनफेवरेबल सिचुएशन मिलेगी, कि हमको कहाँ जन्म मिलेगा, किस योनि में जन्म मिलेगा, वो हमारे कर्म के हिसाब से निर्धारित होता है. तो कर्म करना हमारे हाथ में है. किस तरह की चीजें हम करना चाहते हैं वो इच्छा करना हमारे हाथ में है. जो फ्यूचर डेस्टिनी है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस डेस्टिनी को हम किस तरह से फेस करके आगे की डेस्टिनी बनाते हैं वो हमारे हाथ में. ओके माता जी, आपका क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? हाँ प्रभु. ओके, तो भगवत गीता 2.47 भगवत गीता के बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मात्य संगोत्सव कर्मणि. यानी भगवान क्या बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि इसका अर्थ है, आप जनरली पूछेंगे तो बोलते हैं कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो. तो ऐसा आप कर सकते हैं क्या कि आप कर्म करते जाए सैलरी लिए बिना काम करेंगे? नहीं ना. तो इसका क्या अर्थ है, भगवान बोलते हैं कि आपके पास आपके जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो करने का राइट है, जो भी आपका कर्म करने है आपको उसके लिए आपको राइट है फुल. लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन. आप उसकी अपेक्षा, ये अपेक्षा मत रखिए, भगवान जो आपको उसके लिए देते हैं उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा. जैसे काफी लोग किसी चीज के पीछे लगे रहते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलता और बहुत गुस्सा आता है उनको, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग द राइट फ्रूट्स, राइट. काफी लोगों को आपने देखा है कि एग्जाम क्रैक करने के लिए या फिर किसी नौकरी पाने के लिए या किसी बिजनेस के लिए लगे रहते हैं और जब फल नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन आता है. तो भगवान यहाँ वही बोल रहे हैं कि आपके पास केवल अपने तरफ से सही कार्य करने का
आपके पास राइट है, लेकिन उसका क्या फल मिलेगा वो सब डिसाइड कैसे होता है, आपके पुराने कर्म क्या है, आपने पहले पहले क्या चला रहा है, उसके आधार पर भगवान आपको प्रदान करते हैं। इसलिए यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने ये कर किया तो आपको ये चीज मिली जाएगी, दैट इज नो गारंटी। दैट्स वाई भगवान बोल रहे हैं कि नेवर कंसिडर योर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट। आप कभी अपने जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं कर्म का, आप ये मत सोचो कि मैंने किया इसलिए मुझको मिल रहे हैं। भगवान आपके चीजों के हिसाब से, आप एक केवल एक इंस्ट्रूमेंट हैं और उसके हिसाब से भगवान आपको फल देते हैं। और ऐसा भी मत करिए कि कई लोगों को मिला जब मेरे को मेरे कर्म के फल मेरे हिसाब से मिलने ही नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कि वो अपने हिसाब से देंगे, तो फिर मैं क्यों काम करूं। तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। अभी ऐसा मत करो कि तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करो इस कारण से, हमेशा डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मतलब अपनी तरफ से आप सबसे अच्छा प्रयास कीजिए और बाकी चीज भगवान पे छोड़ दीजिए। वैसे भी बाकी चीज आपके हाथ में नहीं है, तो क्यों उस कारण से हम आप फ्रस्ट्रेट हो। तो भगवान की भगवान आपका काम है सिर्फ कर्म करना, अच्छी तरह से अपनी जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो करना, और बाकी चीज भगवान देखेंगे। तो यही इस श्लोक में बताया गया है। भगवद गीता 3.9 में भगवान बोलते हैं, यज्ञार्थ तकर्मणो अनंतर लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मीन्स जब कोई काम भगवान विष्णु के सेक्रीफाइस के लिए करा जाता है, बोल रहे हैं जो भी कार्य करना चाहिए वो भगवान के यज्ञ के तौर पे करना चाहिए, भगवान को समर्पित करके करना चाहिए, नहीं तो जो भी कार्य है वो बॉन्डेज का कारण बनता है, यानी हमारे कर्म जनरेट होते हैं। तो भगवान के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो कभी भी बॉन्डेज का कारण नहीं बनते, नहीं तो जो भी कर्म होंगे वो बॉन्डेज होंगे। आप भले ही सत्कर्म करें या कुछ गलत काम करें या अच्छे काम करें, पाप करें या पुण्य करें, दोनों ही आपको बॉन्ड करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। कई लोगों को लगता है कि नहीं मैं अच्छे कार्य कर रहा हूं तो मुझे कोई बॉन्डेज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप अच्छे कार्य करेंगे तो आप ऊपर के प्लैनेट में जाएंगे, कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो नीचे के प्लैनेट में जाते जाएंगे। जैसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम का बताया गया है शास्त्रों में कि 14 तरह के प्लैनेटरी सिस्टम है लेवल के, कुछ पृथ्वी से नीचे है नरक नारकीय लोक है जो, और पृथ्वी के ऊपर जो हेवनली प्लैनेट जिनको कहा जाता है, जैसे स्वर्ग है या ब्रह्म लोक है, जन लोक, तप लोक, महार लोक, ये जो लोक है इनमें आप जाएंगे। लेकिन आप फिर भी जन्म मृत्यु के साइकिल से सिर्फ पुण्य कर्म करके नहीं छूट सकते। तो कई लोग जो ये सोचते हैं कि मैं पुण्य कर्म करूंगा सिर्फ और मुझसे मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के साथ जुड़ते नहीं है, तब तक हमारे कर्म नष्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इसी तरह बताया गया है कि जब हम देखेंगे कि जो सीड होते हैं, कोई बीज होते हैं, उनको हम जब बोते हैं तो पेड़ निकलता है, लेकिन जब उन जीवों को उन बीजों को अगर आप जला दें, उसके बाद उनको अगर आप बोएंगे तो कभी भी उनमें से पेड़ नहीं निकलेंगे, जले हुए बीजों में से कभी भी पेड़ नहीं निकलेंगे। तो इसी तरह जो कर्म के बीज हैं वो जब हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें से उसकी अग्नि में वो हमारे सारे कर्म जल जाते हैं। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उस अग्नि में सारे कर्म के बीज नष्ट हो जाते हैं। तो ये किस तरह से हासिल किया जाता है, भगवान के साथ जुड़ के, विधाता के साथ जुड़ के हासिल किया जाता है। भगवद गीता में 18.66 में भगवान बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान इस श्लोक में ये क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर सब तरह के जो भी तुम धर्म का पालन कर रहे हो उनको त्याग के, क्योंकि तो भगवान गीता में बहुत सारे बताते हैं तरीके, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, लेकिन भगवान आखिरी में बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, इन सब का त्याग के सुख तुम मेरी शरण में आओ, मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हारे सारे पापों को से तुमको छुटकारा दिलाऊंगा, इसकी तुम चिंता मत करो। ये क्लियर भगवान बोलते हैं 18.66 में। तो जब भगवान हमको एक गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को मुक्त कर दूंगा, तो कर्म के बीच भगवान के साथ जुड़ के पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं। और जब भी हम भगवान
के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हमारे लिए बॉन्डेज का कारण बनता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। जब तक वो कार्य हम जारी रखेंगे जो कार्य भगवान से जुड़े हुए नहीं है तो वो बॉन्डेज बनते रहेंगे। इसलिए भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो अभी हम जैसे हमने बोला था कि हम चैंट करेंगे थोड़ी देर, आज चैंटिंग का जप का एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद हम अपने सत्र की समाप्ति करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे थोड़ा देर और हम सत्र की समाप्ति करेंगे। तो आप लोग सब म्यूट रह के जप करिएगा क्योंकि काफी ओवरलैपिंग होती है साउंड की, तो थोड़ा ध्यान नहीं लगेगा आपका। मेरे पीछे पीछे आप लोग जप कीजिए मेरे साथ में। 2-3 मिनट हम जप करेंगे। पूरी माला के लिए तो शायद से टाइम नहीं होगा, लेकिन हमको रोज कम से कम एक माला तो जप करना ही चाहिए। जो लोग ज्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए आप सब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और मेरे साथ साथ जप कर सकते हैं। जय श्री, मैं पहले पंचतत्व मंत्र बोलूंगा उसके बाद मैं हरे कृष्णा महामंत्र बोलूंगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इस तरह से हम जाप करना चाहिए। और एक प्रश्न आया है निकिता माता जी का, बोल रही हैं कि भगवान से कैसे जुड़े प्रभु जी। तो भगवान से जुड़ने का, जैसे अभी हम जप कर रहे थे, तो जप एक बहुत ही अच्छा माध्यम है भगवान से जुड़ने का, भगवान को महसूस करने का। जप में आप पूरा ध्यान केवल भगवान के चरणों पर रखिए, भगवान के बारे में सोचिए और किसी चीज के बारे में ना सोचने का प्रयास करें, और बहुत जो आप मंत्र बोल रहे हैं उसको सुनिए, एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करें।
तो आपको बहुत अच्छा एहसास होगा, आप भगवान के होने का फील जो है अगर आप एकाग्रचित से करेंगे तो आपको आता है। और इसके अलावा भगवान से जुड़ने के सबसे अच्छा माध्यम है भगवद गीता। भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, उसको सुनिए, बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको गुरुओं के, इस्कॉन के इतने सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप सुनिए, श्रवण कीजिए, भगवान का ध्यान करिए हर समय, और भक्तों का संग कीजिए। सबसे बड़ी बात है जब आपके पास, जैसे हमको कोई भी चीज शुरू करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वो चीज ऑलरेडी जो कर रहा है उससे हम थोड़ा सा गाइडेंस लेते हैं। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो क्या करेगा वो, सबसे पहले जाके किसी भी, जो व्यक्ति ऑलरेडी खेल रहा है उसको फॉलो करता है, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनको देखता है टेलीविजन पे, है उसके बाद वो कोचिंग लगाता है क्रिकेट सीखने के लिए। किसी को आईआईटी करना है तो क्या करेगा, वो भी इस तरह से गाइडेंस लेता है, जिन लोगों ने आईआईटी पास किया है उनसे उनसे प्रश्न करता है क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोचिंग लगाता है, खुद अध्ययन करता है, इस तरह से धीरे धीरे उनको सफलता प्राप्त होती है। तो भगवान से जुड़ने के लिए भी सत्संग बहुत जरूरी है, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, राइट माइंडेड पीपल हैं उनके साथ जुड़िए, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति का उनके साथ आप जुड़िए, भगवद गीता का डिस्कस कीजिए उनके साथ, प्रश्न पूछिए और चैंटिंग करिए। आपके घर में अगर भगवान है अर्चवग्रह के रूप में तो उनको बहुत अच्छे से आप सेवा करिए, उनको भोग लगाइए, इस तरह से आपका एक पर्सनल टच भगवान के साथ बन सकता है। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिला माता जी आपको? निकिता माता जी आपके प्रश्न का उत्तर मिले? ओके, धन्यवाद माता जी। तो अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन के पहले हम देखेंगे कि कल क्या करेंगे हम, तो कल का जो है टॉपिक वो भी कर्म ही रहेगा। तो कर्म किस तरह से काम करता है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, और वास्तविक जीवन के हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि कर्म किस तरह से परफॉर्म करता है। तो कल का पूरा टॉपिक कर्म पे ही रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कर्म, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इसको हम देख सकते हैं अपने चारों तरफ होते हुए। तो इसलिए कल आप जरूर अटेंड करें इस सेशन को कि किस तरह से कर्म से हमारा जीवन इफेक्ट होता है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो आपके पूछ सकते हैं आज के विषय में, या इसके अलावा भी कुछ पहले के सेशंस के बारे में, या कुछ और शंका भी हो पूछ सकते हैं, या कुछ फीडबैक देना चाहें हमारे सेशंस के बारे में। किसी का कोई प्रश्न, मोहित प्रभु आपका कोई प्रश्न हो, या पूर्वेश प्रभु आपका, संध्या माता जी, संगीता माता जी, सपना माता जी, श्रुति माता जी, सुरेंद्र प्रभु, अर्पिता माता जी, गिरजा माता जी, ओके, कृष्णा जी आप पूर्वेश प्रभु जी बोलिए। फर्स्ट टॉपिक हमारा सर्च फॉर हैप्पीनेस, जी जी तो जहाँ पे पशु भी कुछ अपनी हम क्यों हैप्पीनेस ढूंढ के, हमें अपने बता हम क्या ढूंढते रहते हैं, मतलब मनुष्य यहाँ पे आते क्या ढूंढता रहता है। तो भी एक सवाल था कि जो ढूंढने की जो प्रोसेस है वो तो बचपन से, जैसे कि जैसे ही माता के गर्भ से बालक आता है तो क्या वो क्या, क्योंकि वो तो एकदम बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको तो वो ध्यान भी नहीं होता है कि वो क्या ढूंढ रही, क्यों ढूंढ, क्या ढूंढ के ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है, तो क्या वो उसकी गलती है, या क्योंकि जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक तो बहुत बड़ा हो चुका होगा, और जब नहीं बहुत बड़ा हो चुका होगा तब तो बहुत सारा समय भी निकल चुका होगा, जी तो
इसीलिए प्रभु जी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इसमें कि जब बच्चे छोटे हैं तभी से उनको हम शिक्षा दें इन सब चीजों के बारे में कि वो जीवन का असली लक्ष्य क्या है, क्या हमको किस चीज पे प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम भी अभी ये फील करते हैं कि हमने ये सब चीजें पहले क्यों नहीं सीखी, हमने लाइफ के काफी टाइम 30-35 साल ऐसे ही निकाल दिए और अब जाके पता चला है तो अभी भी पता चल गया तो ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई है, क्योंकि हम कई जन्मों से ये सब करते आ रहे हैं और अभी भी हमको अगर हमारे आंखें खुल गई हैं तो ये एक बहुत अच्छा शुरुआत हमने कर दी है। लेकिन जैसे आपने बच्चों के लिए प्रश्न किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम अपने बच्चों को सही तरह से इसकी शिक्षा दें कि क्या चीज जीवन में प्रायोरिटी है, क्या करना है। सभी चीजें बाकी भी हमको निभानी है अपने जीवन में, लेकिन जो प्रायोरिटी है, जो मेन जीवन का उद्देश्य है, उनको नहीं भूलना है। तो ये शिक्षा हर माँ बाप का कर्तव्य है कि जो अपने बच्चों को दें। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक बोला है कि जो अपने बच्चे को भगवान का भक्त नहीं बना सकता, कृष्णा कॉन्शियस नहीं बना सकता, उनको बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। इस तरह से उन्होंने इतना बोला है कि कोई हक नहीं बनता अगर आप अपने बच्चों को ये शिक्षा ना दे सकें, क्योंकि आप उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं एक तरह से। तो हर पेरेंट को चाहिए कि भगवान के प्रति बच्चों में एक हमारा काम है उनको सारे संस्कार देना, और उसके बाद उनका चॉइस है, क्योंकि उनके कर्म पुराने चले आ रहे, हमको नहीं मालूम है कि क्या कर्म है, तो वो उस हिसाब से अपने कर्मों के हिसाब से उनकी मानसिकता बनती है और वो डिसीजन लेंगे कि हाँ मुझे जो संस्कार दिए गए मैं फॉलो करूंगा कि नहीं। तो आखिरी में जाके चॉइस उनके पास रहती है, लेकिन हमारी तरफ से हम यही कर सकते हैं कि उनको अच्छे संस्कार दें। प्रभु जी आपको संतुष्टि हुई आंसर से? जी बिल्कुल, धन्यवाद 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 प्रभु। चैट में कुछ क्वेश्चन आए हैं। श्रुति माता जी बोल रही हैं कि जीवन के बुरे अनुभवों को कैसे भूल सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते और दुखी भी रखते हैं, कृपा बताइए। तो अनुभव तो ऐसा है कि माता जी हमारे एटर्नल जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव आए हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जीवन में जो भी बुरे अनुभव हुए हैं, ये जो दुनिया है, जो संसार है, इसके बारे में भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये टेम्पररी है और ये फुल ऑफ मिजरीज है, यानी दुख यहाँ पे हमेशा बने रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान भी गीता में बोलते हैं कि जो ये सुख और दुख है जीवन में, ये एक इसकी तरह आते हैं, जैसे हमारे मौसम बदलते रहते हैं, हर समय मौसम बदलते रहते हैं, और कभी गर्मी आती है, गर्मी के बाद में आपने देखा है वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद में फिर ठंड का मौसम आता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी चेंजेस आते रहते हैं, कोई भी परमानेंट ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो हमको यहाँ की नेचर को समझना पड़ेगा इस दुनिया में कि ये नेचर है जो वो डुअलिटी से भरा हुआ है, तो यहाँ पे हम कभी भी प्रसन्न पूरी तरह से नहीं रह सकते। तो जब हम भगवद गीता का ज्ञान पढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये सारी चीजें हमको इफेक्ट कम करने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी चल रहा है वो अशाश्वत है। आज हम खुश हैं दैट टू शैल पास, अगर दुख है दुखी है तो दैट टू शैल पास। तो हमेशा उस मानसिकता में जब हम आ जाते हैं, उस कॉन्शियसनेस में जब हम आ जाते हैं, तब हम ये चीजों को भूल के आगे के लिए कार्य कर सकते हैं। जब तक हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, जब हम अपने आप को एक शरीर मानते रहते हैं, तब तक ये सारी चीजें हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो जितना हम अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाएंगे भगवान से जुड़ के, तो ये सारी चीजें हमको इफेक्ट करना कम होती है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे होती हैं, तो हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बस एक सेशन अटेंड किया और कल से मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या मैंने भगवद गीता अपने आप पढ़ी और अब मुझे पूरा नॉलेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सब चीजों का रियलाइजेशन होता है और उसके बाद हम इन सब चीजों से ऊपर उठ सकते हैं, और भगवान की कृपा भी चाहिए इसमें बहुत, और खास तौर पे हम गुरु जिनको भी बनाते हैं उनकी कृपा जब हम पे होती है तो ज्ञान हमको बहुत जल्दी प्राप्त होता है, और उस ज्ञान के थ्रू ही हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस डेवलप हो सकती है जहाँ हमें हमारे जीवन में कुछ जो भी चल रहा है उससे हम इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। होप आपको आंसर मिला होगा माता जी। मोहित प्रभु
बोल रहे हैं कि बिजी लाइफ में कितना टाइम भगवान की भक्ति में डाल देना आइडियल है। प्रभु जी ऐसा है कि कितना टाइम डालना आइडियल है तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं एक जप करने से। जप करने में 10 मिनट लगेगा मुश्किल से आपको, एक माला करने में 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। या आप थोड़ी देर भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं, एक श्लोक पढ़िए हर दिन, एक श्लोक ट्रांसलेशन पर पट, इतना तो अपन 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हम बाकी सारी एक्टिविटीज में भी काफी टाइम निकाल देते हैं, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालते हैं, हम अपने जो ऑफिसेस में हम जैसे काम करते हैं तो अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए हम टाइम देते हैं, या अपने परिवार के साथ अपना टाइम बिताते हैं। तो भगवान के लिए भी हम मेरे ख्याल से एटलीस्ट आप थोड़ा 10-15 मिनट आधा घंटा निकाल सकें, एक जाप कर सकें, एक किसी का लेक्चर पढ़ सकें, सुन सकें, या भगवद गीता पढ़ सकें। तो अगर आप जैसे बेंगलोर में, तो हम लोग जनरली जब ट्रेवल करते हैं जनरली ऑफिस कैब्स वगैरह में, तो हम लोग लेक्चर सुनते रहते हैं या जब करते रहते हैं, क्योंकि वो टाइम में हम और कुछ क्या करेंगे, बस में बैठना है और तो कुछ करना नहीं, चलाना भी नहीं है, तो हम वो टाइम यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह का टाइम जो रहता है जहाँ आपका समय ऐसा ही जा रहा है, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या आप कुछ और काम कर रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, उस टाइम आप लेक्चर सुन सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बाकी टाइम भी यूटिलाइज करके, तो अभी आप शुरुआत में थोड़ा भी टाइम यूटिलाइज करें, 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी दे सकें आप दीजिए, और धीरे धीरे फिर आप अपने आप ही टाइम मैनेज कर सकते हैं। जब आपको भगवान के साथ अटैचमेंट होने लगता है तो फिर बाकी चीज अपने आप ही आप टाइम को अपने आप मैनेजमेंट हो जाता है। निकिता माता जी, भक्तों के संग कैसे मिले? एक्चुअली देयर इज नो इस्कॉन टेम्पल नियर बाय मी, एज यू सेड भक्तों का संग कीजिए। तो भक्तों का संग माता जी जरूरी नहीं है कि आप मतलब इस जिस तरह अभी आप ये अटेंड कर रही हैं क्लास, ये भी एक तरह से भक्तों का संग है। आप यहाँ पे जो भी आए हैं सब लोग एक ही माइंड सेट से आए हैं कि अध्यात्म के बारे में जाने, ईश्वर के बारे में जाने, तो आप इस तरह की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अभी हम एडवांस कोर्स भी करने वाले हैं, तो आप एडवांस कोर्स में भी आ सकते हैं। इस कोर्स का खत्म होने के बाद भगवद गीता का डिटेल अध्ययन हम करेंगे। इस तरह की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके लोकल में कोई स्पिकॉन टेम्पल ना भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ भक्त तो जरूर होंगे, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भले ही टेम्पल ना हो लेकिन कुछ भक्त जरूर रहेंगे। इसके अलावा जो आप बुक्स पढ़िए, लेक्चर आप देख सकते हैं, लेक्चर देखना भी भक्तों का संग करना ही है। आप लेक्चर देखिए कि महाराज के लेक्चर देखिए, बहुत सारे प्रभुस के लेक्चर हैं जो काफी उससे हेल्प मिलता है। तो जिस तरह हमने देखा है कि भगवान का संग करने के लिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का जप करते हैं, इस तरह भक्तों का संग करने के लिए भी आप लेक्चर सुन सकते हैं, कोई कीर्तन सुन सकते हैं, उससे भी आपका भक्तों से संग होता है। आपके प्रश्न का उत्तर मिला माता जी? ओके। रेखा माता जी लिख रही है, सम पीपल बिलीव इन फिलोसफी ऑफ लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर मेल्टिंग। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? तो आप देखें कि काफी सारे लोगों का ऐसा फिलोसफी रहता है कि एक ही लाइफ है, जो करना है करो भाई, इससे पहले कि लाइफ खत्म हो जाए सारे एंजॉयमेंट कर लो। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा लाइफ को हम आइसक्रीम की तरह क्यों देखें, हमारी लाइफ को हम कैंडल की तरह भी देख सकते हैं कि हम प्रकाश फैला सकते हैं चारों तरफ हमारी लाइफ में से। Enlighten others, enlighten ourselves before it melt, right? हमको इस तरह से देखते हैं, life is a candle, enlighten ourselves and enlighten others before it melt, right? तो देखने का अलग अलग नजरिया है, जिसमें enjoying mentality है वो आइसक्रीम की तरह देखता है, जिसमें भगवान के प्रति भक्ति का इच्छा है वो उसको एक कैंडल की तरह देख सकता है कि मैं खुद भी प्रकाशित हूँ और दूसरों को भी प्रकाशित करूँ इससे पहले कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, समाधान हुआ प्रश्न का? ओके, तो
किसी और का प्रश्न है अगर तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का सेशन खत्म कर सकते हैं। कोई फीडबैक भी अगर आपको देना है तो दे सकते हैं। निकिता माता जी ने हाथ उठाया है, कुछ प्रश्न है क्या माता जी? ओके तो फिर हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कल के सेशन में आप लोग जरूर से भाग लीजिए। कल का हमारा सेशन, जैसे मैंने बताया कि कर्म के हम और ज्यादा सिद्धांत देखेंगे और ज्यादा डीपली हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके पूर्वेश प्रभु बोल रहे हैं फिर देयर विल बी एन एग्जाम एट द एंड ऑफ द ऑल सेशन। एग्जाम तो नहीं होगा प्रभु, एक छोटा सा क्विज होगा शायद से, क्विज रखेंगे हम, बट ऐसा कोई एग्जाम करके नहीं है, सिर्फ एक क्विज रहेगा, एग्जाम नहीं रहेगा कुछ। ठीक है प्रभु जी, तो ठीक है हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद स्वामी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।